अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्लेन शर्ट में नेक और दामन की डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी। और बहुत सिंपल सी डिज़ाइनिंग है और बहुत अच्छी लगती है। और इसके लिए हमने सबसे पहले नेक की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पहले हमने शर्ट की कटिंग कर ली है अपने नाप के मुताबिक। और लंबाई में आपने सिर्फ 2 इंच कम रखना है, क्योंकि हमने नीचे लहदा से एक पैच अटैच करना है। तो जितनी भी तैयार लंबाई है उससे 2 इंच कम रखें। तो सबसे पहले गले के लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है और इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई ऑन फोल्ड 5 इंच है और लंबाई तकरीबन 14 इंच है। नेक की चौड़ाई के लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पर, और गहराई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने वी नेक बनानी है तो ऊपर से थोड़ा सा सीधा रखते हुए बाकी हम वी नेक की शेप दे लेंगे इस तरह से। और नीचे हमने स्लिट रखनी है, उसके लिए हम यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। नेक के निशान पर हम कटिंग करेंगे और इसके अलावा हमने 1-1 इंच बाहर की तरफ इस तरह से कटिंग करनी है। इसके बाद हमने जो सेंटर में 7 इंच का मार्क लगाया है, यहाँ पे हमने एक स्लिट बनानी है। तो बिल्कुल बारीक हम इस तरह से कटिंग करेंगे नेक लाइन से नीचे 7 इंच के निशान तक। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बीच में से कटिंग कर ली है। इतनी होनी चाहिए कि हमारे बीच में सिलाई लगने के बाद हमारा मार्जिन थोड़ा सा बच जाए। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, फैब्रिक के ऊपर मैंने प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेंगे और सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है प्रेस करके। इसी तरह से कमीज़ के फ्रंट पे हमने सेंटर में निशान लगा लिया है प्रेस करके। और शर्ट की राइट साइड पर हम ये नेक रखेंगे दरमियान से। और अब हमने यहाँ नेक के साथ साथ बिल्कुल बुकरम के साथ यहाँ से सिलाई लानी है, फिर ऊपर लेकर जानी है और इस साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे नेक लाइन से। और यहाँ पे स्लिट में भी हमारी 2 स्टिच लाइंस लगी हुई हैं, बीच में मार्जिन बहुत कम है। हमने बहुत एहतियात से इस तरह कटिंग कर लेनी है। हमारे पास मार्जिन कम है इसलिए मैंने स्टिच लेंथ को बहुत कम रखा है, यानी कि टांका आपने छोटा कर लेना है ताकि सिलाई पक्की हो जाए। इसके बाद हम ये साइड से जो कपड़ा रखा था हमने, इसको कट लगा कर और इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह। ये फिनिशिंग आप पहले भी कर सकते हैं और बेहतर है कि पहले कर ली जाए। और इसके बाद हम बुकरम को उल्टी साइड पर पलट लेंगे। इस तरह से, और अच्छे से प्रेस करके नेक को बिठा लेंगे। देखिए, हमने प्रेस करके नेक को बिठा लिया है। रॉन्ग साइड से मैंने ये सिलाई भी लगा ली है, यानी बुकरम की भी फिनिशिंग हो गई है इस तरह से। अब हमने जो नेक में स्लिट लगाई है, यहाँ पर एक पैच अटैच करना है। इसके लिए हम इसकी लंबाई नोट करेंगे। तो इसकी लंबाई 6.5 इंच है नेक लाइन से लेकर स्लिट ख़त्म होने तक। तो हम 6.5 इंच का बुकरम का पीस लेंगे और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है मैंने। इसमें 0.5 इंच पर हम एक लाइन लगा लेंगे, ये हमारा मार्जिन होगा। और इसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। इसके लिए मैं बुकरम को फोल्ड कर लूँगी ताकि हम आधा डिज़ाइन बनाएं और बाकी उसी तरह की कटिंग हो जाएगी। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से गोलाई बनाएंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जो 0.5 इंच का मार्जिन रखा है वो इसलिए ताकि हमारा बुकरम का पीस आपस में जुड़ा रहे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से कटिंग की। ओपन करेंगे तो हमारे पूरे बुकरम के पीस पे कटिंग हो गई है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने रेड कलर का फैब्रिक पीस लिया है और यहाँ पर हम इसको प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे। बुकरम को पेस्ट करने के बाद हम एक और स्ट्रिप लेंगे और उसके ऊपर बुकरम वाली स्ट्रिप रखेंगे और बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल इस डिज़ाइन के साथ साथ लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ से हम रिवर्स स्टिच करके सिलाई स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इस डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगाएंगे।
जहाँ से भी सिलाई लगाने के लिए कपड़े को मोड़ना हो वहाँ से आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और स्ट्रिप को घुमा लेना है। तो बहुत आराम आराम से हम ये सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लग गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर लेंगे। और इसके बाद इन कॉर्नर्स पे हमने कट लगाना है और ये बिल्कुल सिलाई के पास लगाना है, लेकिन सिलाई कटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे और हमारा पैच तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने प्रेस कर लिया है। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ पर हमने इस पैच को अटैच करना है। इसके लिए हम पहले एक साइड से अटैच करेंगे, इस साइड से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नीचे रखेंगे और थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो दूसरी तरफ एक और स्ट्रिप अटैच कर सकते हैं और उसके ऊपर इस पीस को अटैच कर लें, लेकिन मैंने दूसरा कोई अलहदा से स्ट्रिप अटैच नहीं की, मैंने उसी को थोड़ा सा ओवरलैप किया है और सिलाई लगा ली है। हम यहाँ पर बीड्स लगाएंगे तो इससे और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए हमने बीड्स लगा लिए हैं। अब हमारी नेक की फिनिशिंग हो गई है। इसके बाद हमने दामन से डिज़ाइन बनाना है। दामन के लिए हम सबसे पहले साइड पर एक एक इंच मार्क कर लेंगे, जो हमारा चौक का मार्जिन होगा। ये हमने फोल्डिंग करनी है चौक के लिए। और बीच का हम नाप लेंगे, ये 21 इंच है, तो हम बुकरम 21 इंच की कट करेंगे। ये देखिए मैंने 21 इंच लंबाई की बुकरम कट की है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है, 1.75। और इस पर आधे इंच पर एक लाइन लगा लेंगे। ये देखिए मैंने आधे इंच पर एक लाइन लगा ली है और डिज़ाइन हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसमें हम 3-3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, तो हमारे इस तरह के 7 निशान बन जाएंगे। यहाँ पे हमने अपने डिज़ाइन की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये कमीज़ का दामन है, गले में हमने छोटा डिज़ाइन बनाया था। अब हर 3 इंच पे हमने इस तरह से ये स्कैलप बनाना है और जो इसका पीक पॉइंट होगा यहाँ पर हम एक मार्क लगा लेते हैं। तो हर 3 इंच के सेंटर में हमने एक निशान लगाना है, यानी यहाँ से हम 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हर 3 इंच के दरमियान में हम एक निशान लगा लेंगे। इससे हमारी जो डिज़ाइन की गोलाई है वो बिल्कुल एक जैसी आएगी। ये देखिए हर 3 इंच के दरमियान पे मैंने निशान लगाया है। अब इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम गोलाई बनाएंगे, तो गोलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी। बुकरम को हम फोल्ड कर लेंगे। इससे हम आधे हिस्से पर डिज़ाइन बनाएंगे और आधे हिस्से पर हम कटिंग करके डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा सेंटर का स्कैलप है। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बुकरम को हमने फोल्ड किया हुआ है, अच्छे से मिलाते हुए हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पूरे बुकरम के पीस पर डिज़ाइन बन गया है। इस तरह से इसको पैटर्न रखते हुए हमने इसी तरह का बुकरम का एक और पीस कट कर लेना है। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी तरह का पीस कट कर लिया है। अब हम इनको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए एक को मैंने ब्लैक स्ट्रिप पर पेस्ट किया है और दूसरे पीस को मैंने रेड स्ट्रिप पर पेस्ट किया है। और जो रेड स्ट्रिप है वो हमारी इलहता से पैच अटैच होगा, इसलिए इस पर मार्जिन मैंने ज़्यादा रखा है। ये आप देख सकते हैं सीधी साइड पर हमने मार्जिन ज़्यादा रखा है। और जो ब्लैक स्ट्रिप है ये हमने शर्ट के ऊपर अटैच करनी है। तो ये देखिए हम शर्ट का दामन लेंगे, राइट साइड के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे कि साइड पर 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है हमने। और यहाँ पर हमने सिलाई इस तरह से स्टार्ट करनी है, सीधी यहाँ से जो हमने मार्जिन रखा था। और इसके बाद हम डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगाएंगे।
और यहाँ से फिर हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और रेड पैच को हमने कमीज़ के साथ नहीं बल्कि अलहदा से अटैच करना है, इसलिए मैंने ये मार्जिन आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रखा है। और बिल्कुल इसी तरह की एक और स्ट्रिप कट करेंगे, इसके ऊपर हम ये वाला पीस रखेंगे और इस पैच के साइड पर हमने फिनिशिंग कर लेनी है। यहाँ पर सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे ताकि इसके साइड की फिनिशिंग हो जाए। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए हम अपने डिज़ाइन पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, और यहाँ से भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने ब्लैक स्ट्रिप को शर्ट के दामन पर सिलाई लगा लिया है, और सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर लेंगे थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर लिया है। अब ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, और कट हमने बिल्कुल सिलाई के पास तक लगाना है, लेकिन सिलाई को बीच में नहीं कटना चाहिए। इसके बाद हम पैच को उल्टी तरफ मोड़ लेंगे। और इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, हमने प्रेस कर लिया और आप इसकी साइड्स देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम चौक को फोल्ड करेंगे तो ये आराम से फोल्डिंग हो जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये इस तरह से आना चाहिए। इसके बाद हम रेड पैच लेंगे, इसकी भी हमने साइड से फिनिशिंग कर ली है, और बाकी हमने सिलाई डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ लगाई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ट्रिम कर लेंगे। और इन कॉर्नर्स पर कट लगाएंगे। अब हम सीधी साइड बाहर निकाल लेंगे। और इस पैच को अच्छे से प्रेस करेंगे और हमारा ये वाला पैच तैयार हो जाएगा। ये देखिए, प्रेस मैंने कर लिया है, साइड्स की फिनिशिंग हो चुकी है। इसके ऊपर हम अपनी शर्ट का दामन रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसीलिए हमने रेड पैच का मार्जिन ज़्यादा रखा था, क्योंकि हमने इसको शर्ट के नीचे अटैच करना है। और यहाँ पर हम पिंस लगाकर और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने दामन में सिलाई लगा ली है, हमारा रेड पैच भी शर्ट के दामन से अटैच हो चुका है। ये सिलाई आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, दोनों पैचेस अटैच हो गए हैं, और साइड्स पर हमारी फिनिशिंग किस तरह से होगी जब हम साइड को फोल्ड करेंगे चौक बनाते हुए आधा इंच और दोबारा। और ये देखिए, इस तरह से चौक हमारे आसानी से सिलाई हो जाएंगे इस तरह से। तो बस इन कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है और आपकी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बन जाएगा। जिस तरह से हमने फ्रंट का पार्ट तैयार किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम बैक के पार्ट पे भी ये डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बैक के पार्ट में भी दामन में ये डिज़ाइन बना लिया है। अब हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी शर्ट की स्टिचिंग करेंगे और फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने शर्ट अपनी स्टिच कर ली है, और स्लीव में भी आप चाहें तो ये डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल पाइपिंग की है और ये इस तरह से भी अच्छी लग रही है। नेक पर आप चाहें तो यहाँ नेक लाइन पर पैच लगाने के ऊपर यहाँ पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। और प्रिंटेड शर्ट के दामन पे भी ये डिज़ाइन बनाया जा सकता है। प्रिंटेड शर्ट में जो भी कंट्रास्ट कलर हो उसका निचला पैच आप बनाएं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे लगेगा। और आप इसकी साइड की फिनिशिंग देख सकते हैं। ये देखिए, चौक बनाने के बाद हमारी किस तरह से अच्छी सी फिनिशिंग आई है साइड्स की। तो बहुत नीटली ये पैच इस तरह से अटैच हो गए हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।